रूबी, हाय। हेलो, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कॉलेज से एग्जाम देकर लौटी है, लेकिन पेपर अच्छे नहीं गए। यूं ही समझ लो कि जिंदगी के इम्तिहान दे रही हूँ और नंबर अच्छे नहीं मिल रहे। क्या? कॉलेज तो ठीक ज्वाइन किया था, लेकिन सब्जेक्ट सब गलत सलत ले लिए, वो विषय जो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। ये सब क्या बोल रही रूबी? कुछ नहीं कुछ नहीं, कमाल है, अब तो तू मेरी समझ से भी बाहर जा रही है। तेरी सारी बातों के मतलब मुझे एकनाथ से पूछने पड़ेंगे। यस, तो एकनाथ कहाँ है? साथ नहीं आया? उसे अपने सिद्धांतों से फुर्सत मिले तब वो मेरा साथ दे पाएगा ना। अरे पागल, बिजी पति हर पत्नी को अच्छा लगता है ना, बेरोजगार पति से मन जरा जल्दी भर जाता है। लेकिन उस पति का बीवी क्या करे जो रहे तो दिन भर बिजी, लेकिन उसका नतीजा कुछ बेरोजगारी जैसा लगे। क्या क्या कहा तुमने? तेरी इस बात का मतलब क्या है? आजकल मेरी हर बात का मतलब आंसू है। रूबी, रूबी, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और इतनी जल्दी नई दुल्हन की आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। भगवान करे तुम्हारी इन आंसुओं की वजह बहुत मामूली हो। प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा सा है। पर प्रॉब्लम है क्या रूबी? दीदी, मैं उस घर में नहीं रह पा रही हूँ। उस घर में यानी एकनाथ के घर, एकनाथ के साथ? उस घर से मेरा मतलब है उस बस्ती से। उस छोटे से घर में मेरा दम घुट जाता है दीदी, वहां सिर्फ जरूरत की चीजें हैं। ऐसे में मेरा गुजारा नहीं होगा। अगर बात कुछ दिनों की होती तो मैं जैसे तैसे अपने दिन गुजार लेती, लेकिन अगर उम्र भर मुझे उस घर में रहना पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगी। रूबी, एक बात मुझे सच सच बताना, कहीं कहीं एकनाथ के लिए तेरा प्यार कम तो नहीं हो गया? नहीं, एकनाथ के लिए मेरा प्यार उतना ही है। तो कहीं एकनाथ के दिल से तू उतर तो नहीं? नहीं, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे तो हमारे झगड़े बढ़ते जाएंगे। हालात जैसे भी हो, झगड़े होते भी रहे, लेकिन जब तक तुम दोनों साथ हो फिक्र की कोई बात नहीं। और घर और बस्ती तो ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में कई बार बदली जा सकती है। लेकिन एकनाथ ने जैसे जिंदगी भर इसी घर में रहने का फैसला कर लिया है। फैसले भी बदले जाते हैं रूबी। तू एकनाथ के लिए अपना प्यार बढ़ा के देख, फिर मुझे कहना।